तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर के जाने माने एक्टर, बॉलीवुड के बेहद बड़े एक्टर सलमान खान के घर पर, आप तमाम लोग जानते हैं, घर के बाहर 14 अप्रैल को जो है वो गोलीबारी हुई थी। आप तमाम लोग जानते हैं कि फायरिंग की गई थी। उसके बाद सलमान खान के घर पर जो है मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे और पूरी तरीके से सलमान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। और ये बात कही जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग है वो सलमान खान की हत्या करना चाहते, क्योंकि वो बार बार ये बात कह चुके हैं। और ऐसे में बिश्नोई के तरफ से टारगेटेड है सलमान खान। ऐसे में 14 तारीख को जब गोलीबारी हुई तब पूरी तरीके से महाराष्ट्र जो है वो खबरों में आया और एक बार फिर सलमान खान की हत्या को लेकर के ये बातें शुरू हो गई कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान की हत्या तो नहीं करवाना चाहते हैं। और फिर हुआ क्या, आप तमाम लोग जानते हैं कि पुलिस प्रशासन ने छानबीन शुरू किया और उसके बाद एक शख्स को जो है अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उसे मुंबई के जेल में कैद रखा गया था। और अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है कि उस लड़के ने जिसे गिरफ्तार किया गया, जो एक तरह से गैंगस्टर था जिसने गोली चलाई थी, उसने जेल के अंदर आत्महत्या करने की कोशिश की। जी हाँ, अटेम्प्ट किया, सुसाइड को अटेम्प्ट किया था। उसके बाद जब जेल प्रशासन को इसके बारे में जानकारी मिली तुरंत उसे अविलंब अस्पताल ले जाया गया और वहां अभी उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, वो मृत घोषित कर दिया गया है, अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और ये अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई है, अटेम्प्ट किया उसने सुसाइड, ये बात तो सामने आ रही है। जल्दी उसका पोस्टमार्टम होने वाला है, उसके बाद ये तमाम जानकारी आप तक जो है वो पहुंच जाएगी। आपको अभी ये जानकारी दे दें, ये अनुज थापन नाम का वो लड़का था जिसने ये काम किया था। अभी ये खबर सामने आ रही है, सलमान खान हाउस फायरिंग केस, अक्यूज्ड इन सलमान खान हाउस फायरिंग केस, अटेम्प्ट सुसाइड इन पुलिस कस्टडी, टेकन टू द हॉस्पिटल और वहां उसकी मौत हो गई है। ये भी खबर अब सामने आ चुकी है। फायरिंग के आरोपी अनुज थापन की मौत हुई है, पुलिस कस्टडी में आरोपी ने की थी खुदकुशी। पुलिस कस्टडी में था वो, पुलिस कस्टडी में था, ये एक बात समझने की जरूरत है। कुछ ही देर में अनुज थापन का होगा पोस्टमार्टम, ये बात अभी की सामने आ रही है। आप देख सकते हैं अनुज थापन ने जो है वो आत्महत्या कर लिया। इन अ ट्रेजिक टर्न ऑफ इवेंट्स द अक्यूज्ड इन द सलमान खान हाउस फायरिंग केस हैज डाइड बाय सुसाइड इन पुलिस कस्टडी। अनुज थापन हु वाज अरेस्टेड फॉर एलिजिबली सप्लाइंग फायर आर्म्स यूज्ड इन द फायरिंग आउटसाइड द बॉलीवुड एक्ट्रेस रेसिडेंस ऑन अप्रैल 14 अटेम्प्टेड टू एंड हिज लाइफ वाइल इन कस्टडी। ही वाज इमीडिएटली रश्ड टू द पुलिस टू द हॉस्पिटल बट वॉज डिक्लेयर डेड। ये अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो मौत हुई है इसके पीछे की वजह क्या है, क्या हकीकत में जो इसके मौत की वजह है ये यही है कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि सलमान खान एक बड़ा नाम है और ये केस है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लड़के को टॉर्चर किया गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। ये तमाम चीज़ें अब पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगा, लेकिन अभी की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी जो पूरी टीम है उसके निशाने पर सलमान खान लगातार रहे हैं और लगातार उसने सलमान खान को मारने की बात कही। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।